Hello everyone and welcome you all to my YouTube channel Medicos Gallery. तो आज हम लोग बात करेंगे aphorism number 1 के बारे में. तो aphorism number 1 क्या कहता है कि the physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके terms का meaning देखेंगे और फिर as a whole समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं Hahnemann. तो सबसे पहला है the. द कैपिटल लेटर में किस लिए है, तो द फिजिशियन, फिजिशियन को रिस्पेक्ट देने के लिए जो द है वो कैपिटल लेटर में दिया गया है. उसके बाद है फिजिशियन. तो माइंड में ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि फिजिशियन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, डॉक्टर भी यूज़ कर सकता था Hahnemann, बट डॉक्टर अदर पोस्ट के लिए भी होता है बट फिजिशियन सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ही होता है. तो ये जो एफोरिज्म है ये स्पेशली Hahnemann ने दिया है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, इसीलिए फिजिशियन वर्ड यूज़ किया है. नाउ हाई एंड ओनली, हाई एंड ओनली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब वो सबसे मेन काम, सबसे जो ऊंचा उसका काम है, मिशन. मिशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, मिशन मतलब पर्पस. जो फिजिशियन है Hahnemann के अकॉर्डिंग जो फिजिशियन है उसके अपने पूरे लाइफ को उस मिशन को फुलफिल करने में लगा देना चाहिए, वो उसका एम होना चाहिए. सो ये मिशन वर्ड यूज़ किया गया है. इज़ टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल रीस्टोर का मतलब क्या है, रीस्टोर का मतलब बैक टू प्रीवियस. यहाँ पे है रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, यानी कि जो सिक पहले जो बीमार व्यक्ति जो कि पहले स्वस्थ था, पहले हेल्दी था, अब वो सिक हो गया है, अब उसको वापस से हेल्थी स्टेट में लाना है, इसीलिए वर्ड रीस्टोर किया गया है. मतलब सिक जो कि कभी हेल्दी था अभी सिक हो गया है, उसको वापस से हेल्थ पर लाना है. सो रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, दैट इज़ टू क्योर. यानी कि जब हम सिक को हेल्थ में रीस्टोर कर देते हैं तो उसको हम क्योर कहते हैं. यानी कि फिजिशियन का मेन काम है, हाई एंड ओनली मिशन है सिक को हेल्थ में वापस लाना, दैट इज़ क्योर करना, एज इट इज़ टर्म्ड. अब ये एज इट इज़ टर्म्ड क्यों यूज़ किया गया है, तो जो होल इवेंट एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस, ये जो पूरे इवेंट एक्सप्रेस किए हैं Hahnemann ने पूरे इवेंट को एक सेंटेंस में कि फिजिशियन का क्या मिशन है, तो इसीलिए वर्ड ये लाइन एज इट इज़ टर्म यूज़ किया गया है. अब हम देख सकते हैं टर्म जो वर्ड है उसके ऊपर एक स्मॉल सा वन दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है, ये फुट नोट को डिनोट करता है जो कि बुक के नीचे में दिया रहेगा. तो हम नीचे में देख सकते हैं फुट नोट. तो फुट नोट क्या कहता है कि मतलब अभी तक हमने अफोरिज्म वन में ये पढ़ा कि फिजिशियन का मिशन के अकॉर्डिंग टू Hahnemann, अब Hahnemann क्या कह रहे हैं कि हिज मिशन इज़ नॉट, उसका मिशन ये नहीं है. क्या नहीं है, तो उसका मिशन ये नहीं है कि हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम्स बाई इंटरव्यूइंग एम्प्टी स्पेक्यूलेशन एंड हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग द इंटरनल एसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेसेस एंड द मोड इन विच द डिजीज ऑरिजिनेट इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो Hahnemann कह रहे हैं कि उनका मिशन ये नहीं है कि सो कॉल्ड सिस्टम्स बनाएं. बाय कैसे, बाय इंटरव्यूइंग एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस एंड हाइपोथेसिस. इंटरव्यूइंग मतलब क्या, बुनना, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं कि फिजिशियन का ये काम नहीं है कि वो एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस यानी खाली अटकलें, खाली अनुमान, एम्प्टी गेसिंग्स करे, यानी कि कोई उसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, बस वो ऐसे ही गेसिंग्स दिए जा रहे हैं, एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस दिए जा रहे हैं, हाइपोथेसिस दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, बुन रहे हैं. इसके रिगार्डिंग तो इंटरनल एसेंशियल नेचर ऑफ वाइटल प्रोसेसेस, मतलब हमारा जो वाइटल प्रोसेस है, हमारे अंदर जो भी चल रहे हैं प्रोसेसेस वाइटल, तो उसका नेचर कैसा होगा, किस मोड में डिजीज ओरिजिनेट करता होगा, हम हमारे इनविजिबल इंटीरियर के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग फिजिशियन का एम्प्टी हाइपोथेसिस देना, एम्प्टी स्पेकुलेशंस देना, ये उनका काम नहीं है. जो इनविजिबल इंटीरियर मतलब जो इंटीरियर हमारा हम देख भी नहीं सकते, उसके बारे में बताना उनका काम नहीं है, क्योंकि वेयर ऑन सो मैनी जबकि कई सारे फिजिशियंस ने हाइदरडो मतलब अब तक, यानी कि कई सारे फिजिशियंस ने अब तक जानबूझकर अपने टैलेंट को और अपने टाइम को इसी चीज़ में वेस्ट किया है कि एम्प्टी स्पेकुलेशंस दे रहे हैं, हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या होता होगा, जो कि इनविजिबल है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है बताने का. नॉर इज टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द फेनोमेना इन डिजीजेस एंड दे आर प्रॉक्सिमेट कॉज. ना ही उनका ये काम है कि वो अनगिनत एक्सप्लेनेशंस, काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस देते जाए कि डिजीज कैसे हुआ था, फिनोमेना क्या था, उसका प्रॉक्सिमेट कॉज क्या रहा होगा, विच मस्ट एवर रिमेन कॉन्सील्ड, जैसे कि छुपा रहना चाहिए, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है.
wrapped in unintelligible words and inflated abstract mode of expression, which should sound very learned in order to astonish the ignorant. कह रहे हैं कि उनका काम ये नहीं है कि countless explanations देते रहे disease के phenomena के regarding, उनके proximate cause के regarding, और जो कि unintelligible words में लिपटा हुआ हो. unintelligible मतलब कि जो patient के समझ में भी ना आए, tough tough words, उन words में लपेट के और एकदम अच्छे से mode of, अच्छे mode of, intelligible mode of expression में देना, जो जो कि उस ignorant को, ignorant मतलब वो जो बेबस जो है, अनजान व्यक्ति, अनजान patient, उसको एस्टोनिश करने के लिए, उसको सरप्राइज करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है. उसको लगेगा कि बहुत ही लर्नड है ये, तो ऐसा बहुत लर्नड साउंड होगा, बट ये सही नहीं है. हैनीमैन कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए. वाइल्ड सिख ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर इट, जबकि जो बीमार मनुष्य है, सिख ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, वो दर्द से करा रहा होता है, उस समय ये चीज़ करना, ये अनइंटेलिजिबल वर्ड्स, टफ टफ वर्ड्स में अपने आप को लर्नड दिखाने के लिए करना और अपने टाइम और टैलेंट को वेस्ट करना, ये उनका काम नहीं होना चाहिए, उनका मिशन नहीं होना चाहिए. Of such learned reveries to which the name of theoretic medicine is given and for which special professorships are instituted. कह रहे हैं कि जो वैसे जो पढ़े लिखे reveries, reveries मतलब जो दिन में ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, जो सपने दिन में सपने देखते रहते हैं, तो वैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके लिए कि थ्योरेटिक मेडिसिन का नाम दिया गया, वैसे जो लोग जो एम्प्टी स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस देते रहते हैं, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके बारे में, जो वाइटल प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, जो हम देख भी नहीं सकते इंटीरियर में, उसके बारे में दे रहा है और सिख ह्यूमैनिटी दर्द से करा रहा है, तो वो चीज़, वो जो लोग करते हैं उस चीज़ को थ्योरेटिक मेडिसिन बोलते हैं. तो इनके लिए स्पेशल प्रोफेसरशिप भी इंस्टीट्यूट किया गया, यानी जिन्हें ये काम करना है उसके लिए अलग प्रोफेशन दिया है, वो कर सकते हैं. यहाँ पे एज अ फिजिशियन उनका ये काम नहीं है, ये स्पेक्यूलेशंस देना उनका काम नहीं है. एंड इट इज़ नाउ हाई टाइम दैट ऑल हु कॉल देमसेल्फ्स फिजिशियंस शुड एट लेंथ सीज टू डिसीव सफरिंग मैनकाइंड विथ मियर टॉक. तो बोल रहा है कि अब ये हाई टाइम आ गया, अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय आ गया है कि वो सारे लोग जो कि अपने आप को फिजिशियन कहते हैं, जो अपने आप को फिजिशियन कहते हैं और इस सफरिंग मैनकाइंड, इस जूझते हुए मानव को, इस जूझते हुए जो लोग हैं उनको धोखा देते हैं विथ मेयर टॉक, मतलब हल्की फुल्की बातों से, ये बेकार की बातों से जो उन सफरिंग मैनकाइंड को धोखा देते हैं. एंड बिगिन नाउ इंस्टीट्यूट फॉर वंस टू एक्ट दैट इज़ रियली हेल्प टू क्योर, हेल्प एंड टू क्योर. तो ये उनके लिए हाई टाइम आ गया कि वो ये सब छोड़ दें और सच में उनकी मदद करे, क्योर करने में मदद करे, ये थ्योरेटिक मेडिसिन वाला चीज़ ना करें. तो अब हम लोग क्या समझे इस अफोरिज्म नंबर वन से, कि हैनीमैन हमें ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये अफोरिज्म नंबर वन है, क्यों हैनीमैन ने पहले अफोरिज्म में ही मिशन को दिया है, ताकि हमारा स्पेशल उस पर फोकस जाए कि ये जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, तो हमारा मेन मिशन क्या है. इसीलिए फर्स्ट एफोरिज्म में ही हैनीमैन ने मिशन के बारे में बोल दिया है कि हमारा मिशन क्या है. उसके बाद के जो अफोरिज़म्स होंगे वो उस मिशन को फुलफिल करने के लिए ही होंगे. तो पहले अफोरिज्म में हैनीमैन ने ये कहा है कि मिशन हमारा है क्योर करना. अब ये बातें, थ्योरेटिक मेडिसिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं करना. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.